हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसटीसी एजुकेशन। आज हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, तो सबसे पहले उसकी मीनिंग समझें। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बता रहा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब जो है अपनी डॉटर को बोल रहा है, क्या बोल रहा है डॉटर को, 7 years ago 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। मीन्स आफ्ताब अपनी डॉटर को क्या बोल रहा है, 7 साल पहले जो मेरी एज थी, 7 years मीन 7 साल पहले मेरी एज क्या थी, 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। भाई जब तेरी जितनी तेरी एज थी उसकी 7 times मेरी एज थी, 7 साल पहले, 7 years ago बराबर ना। फिर आगे क्या बता रहे, आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद, आज 3 साल के बाद, फ्रॉम नाउ बोल रहा है, 3 साल के बाद, आई शैल बी 3 times भाई मैं 3 times हो जाऊंगा एज ओल्ड एज यू विल बी। मीन्स जितनी आपकी एज होगी, मीन्स अपनी बेटी से बात कर रहा है, डॉक्टर से बात कर रहा है कि 3 साल के बाद जो तेरी एज होगी उसकी 3 times मेरी एज होगी, बराबर ना, इस तरह बता रहा है। फिर आगे क्या बता रहा है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, ये आपको सिचुएशन दी हुई है उसको रिप्रेजेंट करना है, किस तरह, अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। मींस आपको इक्वेशन बनाना है दो इन टू मींस टू वेरिएबल में आपको बनाना है, वो अलजेब्रिकल बोलेंगे और उसको ग्राफ में शो करना है जिसको ग्राफिकली बोलेंगे। ओके तो देखो किस तरह बनाएंगे, सबसे पहले आपको दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम सपोज कर रहे हैं, सपोज प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है वो हम क्या ले लेते हैं, एक्स ईयर्स ले लेते हैं, ठीक है। एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, भाई उसकी डॉटर की जो एज है वो हम क्या ले लेते हैं, वाई ईयर्स ले लेते हैं, ठीक है, सॉरी वाई ईयर्स ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे लिया आफ्ताब की अभी प्रेजेंट एज एक्स है और उसकी डॉटर की एज क्या है, वाई ईयर्स है, ठीक है, इस तरह लिया। अभी आप खुद सोचो क्या बता रहा था, 7 years ago 7 साल पहले, आई वॉज मीन आफ्ताब जो थी, आफ्ताब की जो एज थी, 7 times एज इफ एज ओल्ड एज यू विल बी यू आर बी। मीन्स आपका कहने का मतलब उसकी जो, आप खुद सोचो आपकी एज सपोज करो 20 years है, ठीक है, तो 7 साल पहले कितनी थी, 13 बराबर ना, 20 - 7 करेंगे बराबर ना, तो 7 years ago आफ्ताब की एज क्या है, अभी प्रेजेंट में एक्स है, तो 7 years पहले क्या होगी, x - 7। इसी तरह उसकी जो डॉटर की जो एज है वो क्या है, वाई है, तो 7 years पहले क्या होगी, y - 7 नेचुरली है बराबर ना। तो वही बता रहा है आफ्ताब, क्या बोल रहा है भाई, मेरी जो एज होगी तेरे से कितनी होगी, 7 times बता रहा है। देखो आप 7 साल पहले मीन्स x - 7 एंड y - 7, फिर क्या बता रहा है कि मेरी जो एज होगी तुम्हारी एज से कितनी होगी, 7 times होगी। मीन्स इक्वल्स टू में x - 7 इक्वल्स टू में y - 7 और आगे 7 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 7 times बता रहा है, ठीक है। तो फिर देखो क्या होगा, ये x - 7 से इसको मैं 7 से इंटू करूं तो क्या हो जाएगा, 7y - 7 14y, ओके। फिर क्या होगा, ये x 7y प्लस में इस साइड आएगा -7y इक्वल टू 49 को माइनस की साइड, तो -49 रखूंगा, ये -7 है उस साइड जाएगा तो +7 बराबर ना। क्या किया देखो, ये x 7 रखा, 7y को प्लस की साइड है, इक्वल टू इस साइड लेके आया तो -7 है, 49 को माइनस की साइड है तो वो सेम रखा, 7 को माइनस की साइन है इक्वल टू से लेके गया तो +7 हो गया, ठीक है। फिर क्या होगा, x - 7 का सेम, अभी 49 एंड 7 दोनों में से बड़ा 49 को कौन सा है, माइनस की साइन, इसको माइनस है इसको प्लस है, माइनस प्लस माइनस, तो 49 में से 7 गया तो 42। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। पर अभी सेकंड इक्वेशन के लिए क्या बता रहा था भाई, आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद, आई शैल बी 3 times भाई मेरी जो एज हो जाएगी
थ्री टाइम्स हो जाएगी, किससे? एज ओल्डर एज यू विल बी, मीन्स अपनी डॉटर को ही बता रहा है कि तीन साल के बाद मेरी एज तेरी एज से कितनी हो जाएगी, थ्री टाइम्स हो जाएगी, बराबर ना। तो मीन्स आप खुद सोचो, आप अपनी एज से हिसाब से सोचो, मैं सपोज करो आपकी एज 20 है तो तीन साल के बाद क्या हो जाएगी, 23, 20 प्लस 3 होगा, बराबर ना। तो तीन साल के बाद अभी आफ्ताब की कितनी एज है, एक्स है, तो तीन साल के बाद क्या होगी, एक्स प्लस 3, और उसकी डॉटर की एज क्या है, वाई है, तीन साल के बाद वाई प्लस 3, बराबर ना। तो वाई प्लस 3 लिखूंगा, तो आफ्ताब की जो एज होगी उसकी डॉटर की कितनी होगी, थ्री टाइम्स हो जाएगी, मीन्स आगे 3 से मल्टीप्लाई। अभी इसको सॉल्व करूं मैं, ये x प्लस 3 सेम, 3 से इनटू करूं 3y प्लस 3 जा 9, ओके। फिर ये देखो इक्वल टू की साइन सेम, ये x है, 3y को प्लस की साइन है, इक्वल टू के साइड आएगा माइनस 3y, ये 9 सेम, 3 प्लस में इक्वल टू के साइड जाएगा माइनस में। देखो रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या किया, ये x सेम रखा, 3y प्लस में इक्वल टू के साइड गया माइनस 3y, 9 सेम रखा प्लस 3 इक्वल टू के साइड गया माइनस 3 हो गया। अभी therefore क्या बोलूंगा, x माइनस 3y, ये सेम रखा, इक्वल टू में 9 में से 3 कह दो 6, तो ये आपकी हो गई सेकंड इक्वेशन। तो इसको हमें अल्जेब्रिकल रिप्रेजेंट करना था, बराबर ना, अल्जेब्रिकली, तो ये अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन आ गया, ये फर्स्ट नंबर इक्वेशन, ये सेकंड नंबर इक्वेशन, ओके। अभी इसको ग्राफिकल मेथड में शो करना है, बराबर ना, ग्राफिकली शो करना है, तो ग्राफिकली शो करने के लिए दोनों की टेबल बनानी पड़ेगी, ओके भाई। अभी आपको पहली इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 इस तरह दी हुई है, तो इसमें आपको इसकी टेबल बनानी है आपको, तो देखो किस तरह होगी टेबल, तीन वैल्यू कर रहे हैं हम एक्स और वाई, रखते करेंगे इस तरह भाई, आपको सपोज करो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 जो मिला हुआ है। अभी आपको कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू अपने आप सोचना और सेकंड की फाइंड करनी है, तो सपोज करो मैं y की जगह पे 7 रख रहा हूं, माइनस x की जगह पे 7 रख रहा हूं, y की जगह पे, सॉरी y की जगह पे मैं 7 पुट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये एक्स से माइनस 7 जा 49 इक्वल टू माइनस 42, ये एक्स सेम इक्वल टू माइनस 42 सेम, माइनस 49 है उससे जाएगा प्लस 49, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 49 में से 42 गए, साइन बढ़ेगी, बराबर ना, तो क्या होगा 7 होगा 49 में से 42। तो क्या किया आपने, y वेरिएबल लिया 7 और x की क्या वैल्यू आई 7, इस तरह रखना है, ओके। अभी इसी तरह दूसरी वैल्यू हम सपोज करें भाई, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 ही है, x है माइनस 7 से y की जगह पे समझो मैं 6 पुट कर रहा हूं, 6 रख रहा हूं y की जगह पे, इक्वल टू में माइनस 42, फिर क्या होगा x माइनस 7 6 42, ये माइनस 42 से, ये x है इक्वल टू माइनस 42 से, ये 42 माइनस में इक्वल टू को साइड जाएगा तो प्लस 42 हो जाएगा, मींस x इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा, 42 को प्लस है 42 को माइनस की साइड, 42 में से 42 गए तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह y की वैल्यू मैंने 6 ली, y की जगह पे 6 पुट किया और x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू 0 आई, ओके। इस तरह अभी एक वैल्यू और बने हैं भाई, अभी आपको ऐसा दिया हुआ है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 जो इक्वेशन है वही लिखा हमसे, ठीक है। फिर क्या होगा x माइनस 7 और x की जगह पे सपोज करो मैं 5 पुट कर रहा हूं, y की जगह पे, y की जगह पे मैं 5 पुट कर रहा हूं, x की जगह पे इक्वल टू माइनस 42, फिर क्या होगा x माइनस दोनों का मल्टीप्लाई करो 35, ये माइनस 42 से, x इक्वल टू माइनस 42 से 35 माइनस में आई इक्वल टू प्लस जाएगा प्लस 35, x की वैल्यू क्या होगी साइन बढ़ेगी, 42 को माइनस की साइन है साइन बढ़ेगी, इसको माइनस इसको प्लस, माइनस प्लस माइनस, 42 में से 35 गए तो कितना होगा 7 होगा। तो हमने y की जगह पे क्या वैल्यू पुट की 5 रखा, ठीक है ना, और x की वैल्यू क्या आई माइनस 7 आई, ओके। तो इस तरह ये टेबल कंप्लीट हो गई फर्स्ट इक्वेशन के लिए, इसी तरह अभी सेकंड के लिए करना है, ये रफ कर दू मैं, ये रफ नहीं करना है आपको, ठीक है। देखो अभी हम सेकंड इक्वेशन करेंगे, सेकंड टेबल बनाएंगे, तो देखो
इस तरह मिला हुआ है आपको। सेकंड आपको इक्वेशन दी हुई है एक्स माइनस थ्री बार इक्वल टू सिक्स, ओके ये आपको इक्वेशन दी हुई है एक्स माइनस थ्री बार इक्वल टू सिक्स। फिर क्या करना है आपको, इसमें भी आपको डबल बनानी है और तीन वैल्यू भी फाइंड करेंगे हम, ठीक है एक्स एन वाई। तो ये एक्स माइनस थ्री, सपोज करो वाई की जगह पे मैं जीरो रख देता हूं, ठीक है तो ये एक्स जीरो बिंदु पर जीरो हो जाएगा इक्वल टू सिक्स, तो एक्स में से जीरो का तो एक्स ही आने वाला है तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई सिक्स हो गई। वाई की जगह आपने क्या रखा जीरो रखा और एक्स की वैल्यू क्या हो गई सिक्स हो गई, ठीक है। इसी तरह हम दूसरी वैल्यू फाइंड करें एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स है तो एक्स माइनस, अगर जो हम वाई की जगह में माइनस वन रख रहे हैं ठीक है तो एक्स ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वाई की जगह में मैंने माइनस वन पुट किया वाई की जगह पे, ये थ्री से वाई की जगह माइनस वन माइनस माइनस प्लस एंड थ्री बन जाए थ्री इक्वल टू सिक्स, तो एक्स इक्वल टू सिक्स प्लस थ्री है उससे जाएगा माइनस थ्री तो एक्स इक्वल टू क्या थ्री। तो मैंने वाई की जगह में क्या पुट किया माइनस वन और एक्स की वैल्यू क्या है थ्री है, ठीक है। अब इसी तरह एक और वैल्यू फाइंड करें एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स है तो एक्स माइनस थ्री से वाई की जगह में माइनस टू पुट कर देते हैं, वाई की जगह पे माइनस टू पुट कर देते हैं ठीक है तो इक्वल टू सिक्स। फिर ये एक्स से एंड ये माइनस माइनस प्लस एंड थ्री टू जा सिक्स इक्वल टू सिक्स, एक्स इक्वल टू सिक्स प्लस सिक्स है उससे जाएगा माइनस सिक्स तो एक्स इक्वल टू क्या हुआ सिक्स में से सिक्स गए जीरो। तो हमने वाई की जगह पे क्या रखा माइनस टू और एक्स की क्या वैल्यू है जीरो है, ओके। तो इस तरह सबसे पहले आपको टेबल बनानी है और इसके बाद हम ग्राफ दिखा ग्राफ में इसको शो करेंगे, ग्राफिकली हमें रिप्रेजेंट करना है ठीक है। तो इसमें आप देखो जो आपने टेबल बनाई उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है सेवन है, ठीक है तो हम सेवन तक वैल्यू लेंगे। तो इस तरह ग्राफ बनाया जाएगा, आप ग्राफ पेपर पे बनाना आपकी एक्यूरेट वैल्यू आएगी, ओके एक्यूरेट आपका ग्राफ आएगा, ग्राफ पेपर पे बनाना है कंपलसरी ठीक है। ये ओरिजिन जीरो, ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई, ए वाई डैश, ओके यहां पे मैं रखूंगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स एंड माइनस सेवन भी कर रहे हैं माइनस सेवन इस तरह है, ओके फिर यहां पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन यहां पे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन, ओके इस तरह आपको मीन्स बनाना। अभी देखो किस तरह बनाएंगे हम, एक्स की सेवन और वाई का भी सेवन, एक्स का सेवन और वाई का सेवन दोनों कहां पे मिल रहे हैं यहां पे मिलेंगे नियरली ठीक है। एक्स का सेवन एंड वाई का भी सेवन ये पॉइंट यहां पे मिलेगी ठीक है। फिर क्या है जीरो सिक्स, एक्स का जीरो वाई का सिक्स यहां पे मिलेगी पॉइंट ठीक है। इसके बाद माइनस सेवन एंड फाइव, एक्स का माइनस सेवन ये रहा एंड वाई का फाइव नियरली यहां पे हुआ ठीक है, एक्स का माइनस सेवन एंड वाई का फाइव। तो इस तरह आपको ये तीनों लाइन तीनों पॉइंट को मिला दे वो एक लाइन बनानी है, स्केल से बनाना ठीक है। इस तरह आपकी एक लाइन आ गई और इसमें आप लाइन पे लिख दो क्या एक्स माइनस सेवन वाई इक्वल टू माइनस फोर्टी टू, भाई इसकी लाइन है ठीक है। अभी इसके लिए बनाए आप देखो दूसरी टेबल, एक्स का सिक्स वाई का जीरो, एक्स का सिक्स वाई का जीरो ये रहा, एक्स का सिक्स वाई का जीरो ये रहेगा ठीक है एंड थ्री एंड माइनस वन, एक्स का थ्री वाई का माइनस वन यहां पे मिलेगी पॉइंट ओके। फिर जीरो और माइनस टू, एक्स का जीरो वाई का माइनस टू इस तरह। तो इसको मिलाते हुए स्केल से आपको बनानी है लाइन, इन तीनों को पॉइंट को मिलाते हुए एक दूसरी लाइन बना ओके।
और ये जो भी आपकी लाइन x माइनस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स, ये आपकी लाइन है। ओके, तो इस तरह आपको देखो, आप दोनों लाइनें कहीं पे भी टच नहीं करी है, पर हो सकता है आगे जाके टच करे, ठीक है ना। अगर जब टच करे, पैरेलल नहीं है, अगर जब टच करेगी तो आपको जहां पे टच करेंगी वो सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, तो इस तरह आपको ग्राफिकली, हमें सॉल्यूशन नहीं बता रहा, हमें सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, तो इस तरह आपको ग्राफ बनाना है। ओके, तो यहां पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ, इजी क्लियर। अभी इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू है, तो उसकी मीनिंग समझे। देखो क्वेश्चन नंबर टू क्या बता रहा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम का एक कोच है, बायस थ्री बैट, उन्होंने तीन बैटे खरीदी एंड सिक्स बॉल, तीन बैट एंड सिक्स बॉल खरीद रहे हैं फॉर कितने में, 3900 रुपीज में। ओके, फिर क्या बता रहा है, लेटर शी बायस, बाद में वो खरीद रही है, शी बता रहा है मीन्स कोच जो है वो लेडी है, ठीक है ना। लेटर शी बायस, बाद में उन्होंने खरीदा, क्या खरीदा, अनदर बैट, अनदर बैट मतलब एक और बैट खरीदी, ठीक है, एंड टू मोर बॉल्स, और दो और बॉल लिए, ठीक है, ऑफ दी सेम काइंड, सेम काइंड के, फोर रुपीज 1300 में लिए, बराबर है। पहले क्या लिया, पहले तीन बैट और सिक्स बॉल कितने रुपीज में लिए, 3900 रुपीज में, बाद में क्या लिया, एक बैट ली, अनदर बैट बता रहा हूं, एक बैट एंड दो बॉल लिए, कितने में लिए, 1300 रुपीज में। फिर आगे क्या बता रहा है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करो अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली बात एक ही होता है, तो हमें ज्योमेट्रिकली बताना मीन्स ग्राफिकली बताना है, बराबर ना। तो देखो किस तरह होगा, सबसे पहले अल्जेब्रिकली शो करना पड़ेगा, हमें दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उसके बाद उसकी टेबल बनानी पड़ेगी, टेबल में से हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। ओके, तो देखो किस तरह होगा, सबसे पहले हमें इक्वेशन बनानी है, तो सपोज करें इस तरह, सपोज कर रहे हैं, सपोज द कॉस्ट ऑफ वन बैट, भाई एक बैट की हम कॉस्ट ले रहे हैं एक्स रुपीस, ठीक है, एक्स रुपीस ले रहे हैं एक बैट की कॉस्ट, एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल, भाई एक बॉल की कॉस्ट हम वाई रुपीस ले रहे हैं। ओके, इस तरह लिया, अभी इन्होंने क्या खरीदा, तीन बैट एंड सिक्स बॉल, अभी एक बैट की कॉस्ट क्या है, एक्स है, तो तीन बैट की क्या होगी, थ्री एक्स, थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर ना, तो इस तरह हो जाएगा 3x एंड एक बॉल वाई रुपीज में मिल रहा है, तो सिक्स बॉल कितने में मिलेगी, सिक्स वाई, ठीक है, तो सिक्स वाई, तीन बैट इतने में मिली और सिक्स बॉल इतने में मिली, दोनों मिला के कितने रुपीज हुए, दोनों मिला के 3900 रुपीज हुए, बराबर, इस तरह हुआ, यह हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह सेकंड नंबर इक्वेशन बना है, भाई बाद में क्या खरीदा, एक बैट, अनदर बैट मींस एक और बैट, एंड टू मोर बॉल्स, और दो और बॉल लिए, बराबर ना, तो एक बैट, एक बैट की वैल्यू कितनी है, एक्स ही है, तो एक्स लिखो या वन एक्स लिखो, बात एक ही है, तो मैं एक्स लिख रहा हूं, एक बैट थी एक्स रुपीज में, एंड दो बॉल लिए, एक बॉल की वैल्यू वाई रुपीज, तो टू बॉल की कितनी होगी, टू वाई, अभी एक बैट एंड टू बॉल दोनों मिला के कितने में लिए, इक्वल टू 1300 रुपीज में लिए दोनों मिला के, बराबर ना, तो ये हो गई आपकी सेकंड नंबर इक्वेशन। तो ये जो है अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया, अभी हमारे को ज्योमेट्रिकली शो करना है मीन्स ग्राफिकली शो करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसके लिए हमें टेबल बनानी पड़ेगी, तो हमें क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900, तो इसके लिए मुझे टेबल बनानी है, तो तीन वैल्यू लेंगे हम, ठीक है, तो देखो किस तरह होगा, सबसे पहले हमें टेबल बनानी है x और y, तो देखो हमारे को क्या इक्वेशन दी हुई है, 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900, ये हमें दिया हुआ है, 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900, तो हम सपोज कर रहे हैं ये 3x है प्लस 6 है, वाई की जगह पे सपोज करो 500 ले रहा हूं मैं, ठीक है, y की जगह पे मैंने 500 पुट किया, तो देखो इसको सॉल्व करें हम, 3x n, इन दोनों का इनटू करो क्या आ जाएगा, 3000 इक्वल टू 3900, फिर क्या होगा, ये 3x n इक्वल टू में 3900 से 3000 प्लस में उस साइड जाएगा तो
माइनस इक्वल टू से लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये 3x है, 3900 में से 3000 गए तो 900 बचा। अभी x के साथ 3 है तो वहां पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई में वहां पे डिवाइड में जाएगा। x के साथ 3 मल्टीप्लाई में, इक्वल टू से लेकेगा तो डिवाइड में, तो 3 का डबल लगाओ, 3 जा 9 और 2 जीरो से मतलब 300 है। मीन्स y की जगह पे हमने क्या पुट किया, 500, y की जगह पे हमने 500 दिया और x की वैल्यू क्या है 300। ओके इस तरह लिया। अब इसी तरह ही दूसरी वैल्यू फाइंड करें हम, भाई 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900 है। ओके 3xm 6m हमने 500 लिया y की जगह पे पहले, अभी एक काम करते हैं 600 ले लेते हैं, ठीक है। बड़े नंबर लेने पड़ेंगे क्योंकि हमारे को 39,000 है, 3900 है, 4000 के नियरली है, तो थोड़े बड़े नंबर ही 100 की वैल्यू में देने पड़ेंगे। ओके तो मैंने y की जगह अभी 600 लिया, तो क्या होगा, ये 3xm इन दोनों का इनटू करो 3600, 6 6 36, 20 से 3900। फिर क्या होगा, ये 3xm इक्वल टू में 3900 सेम 3600 प्लस में उसर जाएगा, माइनस में 3600। फिर क्या होगा, 3x इक्वल टू 3900 में से 3600 गए तो क्या होगा 300, बराबर ना। फिर 3 जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू क्या होगा 300 डिवाइडेड 3, x के साथ 3 मल्टीप्लाई में इक्वल टू को उसर लगेगा डिवाइड में, ठीक है। तो 3 का डबल लगाऊं, 3 1 जा 3 1 जा, दोनों जीरो से, मीन्स x की वैल्यू क्या आई 100 आई। आपने y की जगह पे क्या लिया था, 600 लिया, ओके एंड एक्स की वैल्यू 100 है, ठीक है। अभी इसी तरह ही इसको पहले रफ कर दें, एक वैल्यू और फाइंड करनी है, पहले रफ कर देते हैं, देखो एक वैल्यू और फाइंड करनी है। अभी इसी तरह ही y की जगह पे हम 700 सपोज करें, ठीक है, जैसे 500 600 लिया, अभी हम 700 सपोज कर रहे हैं। हमारे को इक्वेशन कौन सी है, 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900 ये है, ओके। फिर क्या होगा, ये 3xm प्लस 6m y की जगह पे मैं 700 रख रहा हूं अभी, ठीक है 3900 से। फिर क्या होगा, ये 3xm इन दोनों का इनटू 42,000 से, बराबर इसके इक्वल्स में 3900। फिर ये 3x है इक्वल टू 3900 से 4200 प्लस में उसर जाएगा, माइनस में 4200, 3xm अभी साइन बढ़ेगी, 4200 को माइनस की साइन है, साइन बढ़ेगी, ठीक है, और इसको माइनस है इसको प्लस है, माइनस प्लस माइनस सॉरी 4200 में से 3900 गया तो क्या हुआ 300, ठीक है। 3 जाएगा डिवाइड में, ये माइनस 300, x के साथ 3 मल्टीप्लाई में 3 डिवाइड में जाएगा, 3 का डबल लगाओ 3 1 जा, ठीक है, तो 100 हुआ और माइनस की साइन है तो माइनस 100। तो मींस आपने y की जगह पे 700 पुट किया एंड x की वैल्यू क्या आई, माइनस 100 आई, ओके। तो इस तरह फर्स्ट इक्वेशन की हमें 3 वैल्यू मिल गई। अभी दूसरी इक्वेशन है हमारे पास, दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300, ये दूसरी इक्वेशन है, इसमें भी हमें टेबल बनानी है, ठीक है। तो देखो किस तरह होगा, 3 वैल्यू भी फाइंड करनी है हमें, इस तरह फाइंड करेंगे x एंड y। तो देखो सबसे पहले x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300 है, तो ये xm प्लस 2 से y की जगह पे 500 ही रख रहा हूं मैं, ठीक है 500 सपोज करो पुट किया मैंने, तो x प्लस इन दोनों का इनटू करो 1000, 2 5 10 और 20 से, ठीक है इक्वल टू 1300। फिर ये xm इक्वल टू 1300 सेम 1000 प्लस में उससे जाएगा माइनस में, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हुई 300, 1300 में से 1000 गया। तो देखो y की जगह पे आपने क्या पुट किया, 500 पुट किया और x की वैल्यू क्या आई 300 है, ओके। इसी तरह ही दो और वैल्यू फाइंड करनी है, पहले हम रफ कर दें इसको, ये रफ पे करना है, ये जो कैलकुलेशन कर रहा हूं आपको रफ पे करना है, ठीक है। देखो फिर आगे क्या होगा, अभी देखो हमारे को क्या दिया हुआ है, x प्लस 2y इक्वल टू 1300 दिया हुआ है, फिर xm प्लस 2 से y की जगह पे मैं 600 पुट कर रहा हूं, ओके इसको सॉल्व करें, ये xm 2 6 12 00 से 1200 आएगा, 1300 से
फिर एक्स है इक्वल टू 1300 से प्लस 1200 है उससे जाएगा माइनस 1200, तो एक्स की वैल्यू क्या हुई 1300 में से 1200 गए तो 100 आएगा। ओके, तो अभी आपने वाई की जगह में क्या रखा 600 पुट किया और एक्स की वैल्यू क्या आई 100 है। ओके, इसी तरह ही एक लास्ट वैल्यू और निकालनी है हमें, लास्ट वैल्यू है मींस इस तरह होगा। तो देखो एक्स प्लस टू वाई की जगह पे मैं 700 पुट कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करूं, एक्स प्लस टू से मल्टीप्लाई करूं 1400 इक्वल टू 1300, फिर एक्स एम इक्वल टू 1300 प्लस 1400 और सर जाएगा माइनस 1400, तो एक्स इक्वल टू क्या हुआ 1300 में से 1400 गए, साइन बढ़ेगी 1400 को माइनस की साइन तो माइनस 100 हुआ। ओके, तो वाई की जगह पे आपने 700 लिया और एक्स की वैल्यू क्या आई माइनस 100 है। ओके, तो इस तरह ये दोनों टेबल हमारी बन गई। अभी आप नोट करो जो आपने दोनों टेबल बनाई है पूरी की पूरी सेम है, आप अच्छी तरह देखो, देखो 300 500 यहां पे भी देखो 300 500 100 600 100 600 -100 700 -100 मींस पूरी इक्वेशन जो है सबके सब सॉल्यूशन सेम है, मींस एक ही लाइन निकलेगी, मींस इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे इसमें, बराबर ना। सॉल्यूशन तो हमें बताने नहीं है, हमें सिर्फ शो करना है, रिप्रेजेंट करना है ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली, हमें सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, हमें सिर्फ ग्राफ बनाना है। ओके, पर आपको नॉलेज होना चाहिए इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में। ओके, तो देखो अभी हम ग्राफ बनाए, देखो किस तरह होगा, इस तरह बनाएंगे हम, ये एक्स, ये एक्स डैश एंड ये वाई एंड वाई डैश, बीच में जीरो। अभी देखो हमारे पास सबसे बड़ा नंबर 700 है, हम गैप जो है 100 का ले सकते हैं, 100 200 300 400 इस तरह ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ 100 हमारा, 200 300 400 500 600 700। ओके, और इसमें -100 -200 -300 -400 -700 तक तो नहीं है, -100 ही है, चलेगा हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। यहां पे 100 200 300 400 500 600 and 700 -100 -200 -300 -400 -500 चलेगा, ठीक है। इस तरह आपको पहले सबसे पहले नंबर्स लिख देने हैं। अभी हम ग्राफ निकालेंगे, एक्स का 300 एंड वाई का 500, एक्स का 300 वाई का 500, देखो नियरली यहां पे मिलेगा, ठीक है, एक्स का 300 एंड वाई का 500, इसके बाद 100 और 600, एक्स का 100 वाई का 600 नियरली यहां पे मिलेगा। ओके, इसी तरह -100 एंड 700, एक्स का -100 y का 700 नियरली यहां पे मिलेगा, ठीक है, x का -100 एंड y का 700 और दोनों के सेम वैल्यू है तो एक ही लाइन निकलेगी, ठीक है ना। स्केल से बनाना, तो इस तरह आपको एक ही लाइन आएगी और बाकी सेकंड जो है उसकी भी वही वैल्यू है 300 एंड 500, 300 500, 100 600 एंड -100 एंड 700 सेम ही लाइन बनेगी। तो ये जो लाइन हुई दोनों के लिए हुई, एक है हमारी 3x + 6y = 3900 एंड दूसरी इक्वेशन की भी यही लिख दो, x प्लस यही लिख दो, एक्स प्लस 2y = 1300। ओके, तो इस तरह हमारी सिर्फ एक ही लाइन निकलेगी और इस तरह हमारा ये ग्राफ भी कंप्लीट हुआ और इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इजी, क्लियर। तो इस तरह आज हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया। इसमें एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें भी आपको एक सिचुएशन दी हुई है, उसको ऑब्जेक्टिवली एंड ग्राफिकली शो करना है, आप खुद ट्राई करें। अगर जो आपसे नहीं हो रहा है तो मुझे कमेंट करना, तो वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। एंड आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा।
इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।